आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टर्म्स पे डील किया नाउ वी आर मूविंग टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि इन फॉलोइंग ए में मिसिंग टर्म्स निकालो एंड क्वेश्चन इज टू देन दिस इज मिसिंग टर्म एंड दिस इज ट्वेंटी सिक्स टर्म तो वैन यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली तो दिस इज दन ऑफ द ए पी और अगर मैं इस ए पी की बात करूँ तो ये टू लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ए पी ये फर्स्ट टर्म हो गई है तो मुझे यहाँ से अपने क्वेश्चन को देख के ये कंफर्म हो रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो टू है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सेकेंड टर्म बिकॉज दैट इज मिसिंग फॉर अस एंड वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपको ये खुद काउंट करना होगा इसमें कितनी टर्म्स है और कौन कौन सी टर्म की क्या वैल्यू है जैसे अगर ये तीन टर्म है तो इसे फर्स्ट टर्म इसे सेकेंड टर्म इसे थर्ड टर्म बोल देंगे तो फर्स्ट टर्म से ए मिल गया सेकंड टर्म से क्वेश्चन मार्क मिल गया जो मुझे फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म 26 है सिंस वी नॉट एट थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी जो 26 है तो यहां पे ए आ गया 2, टू डी ट्वेंटी सिक्स टू डी ट्वेंटी तो d ऑफ द क्वेश्चन इज 24 फोर अपॉन टू दैट इज ट्वेल्व तो मुझे मेरे क्वेश्चन में डी का जो आंसर मिल गया वो ट्वेल्व मिल गया आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी एस ट्वेल्व नाउ वी हैव टू प्लान एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म एंड द फॉर्मूला फॉर सेकेंड टर्म इज यू नो डेट ए प्लस टू माइनस वन डी ये कैसे आया अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो ऐसा समझिए कि मैंने कहा पहले ए एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी और अगर थर्ड टर्म की बात हो रही है तो ये हो गया ए प्लस थ्री माइनस वन डी तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को ये रिजल्ट मिला था ए प्लस टू डी और फिर ए को मैंने टू यूज़ कर लिया था अब जब सेकेंड टर्म की बात आई तो इसे ए प्लस डी भी बोल देंगे और यहाँ पे ए ऑलरेडी टू है और डी फाइनली ट्वेल्व आया है तो सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज फोर्टीन तो ये आंसर आ गया फोर्टीन अगर आप अपने आंसर को खुद चेक करना चाह रहे हो तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि ट्वेल्व आया टू में ट्वेल्व एड करोगे फोर्टीन फोर्टीन में ट्वेल्व एड करोगे ट्वेंटी सिक्स तो परफेक्टली बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारे पास और जो मेरे पास मिसिंग टर्म थी मिसिंग वैल्यू चाहिए थी ये जो मिसिंग ब्रैकेट चाहिए था उसका आंसर ट्वेल्व फोर्टीन आ गया अब हम पहुंचे पार्ट नंबर सेकेंड में जिसमें मेरे पास है मिसिंग टर्म थर्टीन मिसिंग टर्म थ्री तो इफ वी कंसिडर इट वेरी केयरफुली तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म ये फोर्थ टर्म बिना प्रॉब्लम के आप पहले टर्म डिसाइड कर लो आफ्टर डिसाइडिंग दिस टर्म इट इज़ क्लियर डैट फर्स्ट टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है बट सेकेंड टर्म मुझे थर्टीन पता है एंड फोर्थ टर्म मुझे थ्री पता है सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ तक आपके लिए ये सोचना आपके लिए कि इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट और थर्ड टर्म तो मिसिंग है सेकेंड एंड फोर्थ टर्म को सिंप्लीफाई करना है To simplify the second term, we need to apply this formula. Second term ka formula banega a plus 2 minus 1d that is 13, a plus d 13 aagaya. Consider this as a first. a plus 4 minus 1d is 3, a plus 3d 3 aagaya. That is we need to consider as second. Now, these two terms are representing here as our two equations of linear function. तो मैं अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करूंगा जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें a प्लस डी थर्टीन आएगा a प्लस थ्री डी थ्री आएगा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हम इसे सॉल्व कर देंगे यहां पे बेटा माइनस का 2d डी माइनस का 10 आ गया d की वैल्यू 5 आ गई आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ d वी नाव प्लान एंड फाइंड दैल्यू ऑफ ए फोर दिस ऑल्सो तो डी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल देता हूं देखो ए प्लस फाइव इक्वल टू थर्टीन तो ए की वैल्यू एट आ गई तो सबसे पहले मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें चार टर्म्स हैं उन चार टर्म में से सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म की वैल्यू मेरे पास है और फर्स्ट और थर्ड टर्म की वैल्यू मिसिंग है एंड वी हैव टू गो फॉर दैट मिसिंग टर्म्स ओनली टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ अर मिसिंग टर्म्स मैंने सबसे पहले फर्स्ट टर्म की जगह ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड टर्म के लिए थर्टीन लिख दिया थर्ड टर्म के लिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया फोर्थ टर्म को थ्री लिख दिया एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी दो डिफरेंट इक्वेशंस मिल गई क्योंकि सेकंड टर्म मीन्स ए प्लस डी थर्ड फोर्थ टर्म मींस ए प्लस थ्री डी दिस इज टू लीनियर इक्वेशन राइट नाउ और हम लोगों ने इसी साल मतलब इसी टेंथ स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था तीन डिफरेंट मैथड से सब्सिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीपीकेशन मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन लगाया क्योंकि एक एक ऑप्शन पहले से ही इक्वल थे वी सिम्प्लीफाईट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ डी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन वन ऑफ द टू इक्वेश वी गेट द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो आफ्टर हैविंग ए एंड डी नाव वी नीड टू फाइंड आउट ए वन सो दे आर फॉर बेटर वी आर कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है डेट इज एट और जो थर्ड टर्म होगी वो होगी ए प्लस टू डी उम्मीद आप तो फॉर्मूला लिखना आपको भी आ गया होगा तो ए प्लस टू डी में आ गया आंसर देखो एट प्लस टू इंटू फाइव ठीक है ना एट प्लस टू इंटू फाइव एंड आई वी आर गेटिंग देखिए आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है शायद ये थर्टीन माइनस दे तो ये प्लस का टेन आर है और यह माइनस का फाइव आएगा करेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल या माइनस का फाइव आएगा बेटा और जैसे ही माइनस का फाइव होगा हेयर वेन यू सॉल्व इट इज़ एटीन तो देखिए छोटी सी केयरलेस मिस्टेक पूरा आंसर गलत कर सकती थी तो देखिए फर्स्ट टर्म तो एटीन आ गई अब यहाँ आया एटीन यहाँ आया माइनस फाइव तो इट इज़ एटीन माइनस टेन एट इट्स एट तो मेरे पास जो थर्ड टर्म आ गई वो एट आ गई तो बेटा आपने री चेक कर लिया जो भी छोटी सी मिस्टेक थी मिनिमाइज़ करी हम लोगों ने हमारे को फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालनी थी सेकेंड और फोर्थ टर्म पड़ी थी सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी और फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस थ्री डी का फॉर्मूला लगाया दोनों को साइमटेनियसली सॉल्व करा ए डी आ गया और जैसे ए और डी को फाइंड आउट कर लिया वी सिंपली सिंप्लीफाई एंड गेट द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन नो बेटा वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर थर्ड ऑफ थर्ड क्वेश्चन जिसमें एक बार फिर से लाइक आर प्रीवियस टू पार्ट कुछ पर्टिकुलर टर्म मिसिंग है और सम ऑफ द टर्म्स आर गिवन टू अस अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर थर्ड को देखें तो हमें पता चल रहा है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो फाइव है आप ए वन भी लिख सकते हो सिर्फ ए भी लिख सकते हो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग एंड देन वी हैव अ फोर्थ टर्म हियर विच इज़ नाइन एंड अ हाफ तो फर्स्ट टर्म हमें पता है फोर्थ टर्म हमें पता है तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म वी नीड टू इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ डी तो देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है फोर्थ टर्म आपको पता है यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म सो so, बेटा फोर्थ टर्म के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस फोर माइनस वन डी यानी कि जो रिजल्ट आ गया ए प्लस थ्री डी इक्वल टू नाइनटीन अपॉन टू वाई वी आर हैविंग नाइनटीन अपॉन टू बिकॉज वी सिंप्लीफाइड दिस इन अ सिंपल फॉर्म टू इन टू एट नाइन एटीन प्लस वन नाइनटीन अपॉन टू एंड हेयर वी हैव फाइव फाइव प्लस थ्री डी इज नाइनटीन बाई टू थ्री डी इज नाइनटीन बाई टू माइनस फाइव तो वेन यू टेक द एल्सियम ये आर नाइनटीन माइनस टेन थ्री डी तो थ्री डी गिव यू नाइन बाय टू द वैल्यू ऑफ डी वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रिजल्ट इज थ्री बाय टू तो चेक इट अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या किया मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन में इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट थर्ड वी नो डैट हेयर वी हैव अ फर्स्ट टर्म एज ए वी हैव फोर्थ टर्म एज नाइन एंड अ हाफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म की हेल्प से मैंने सबसे पहले d को फाइंड आउट करने का सोचा और हमारे पास फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस फोर माइनस वन डी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दैट ये a प्लस थ्री डी आ गया वी सब्सिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ ए एस फाइव एंड वी सिंप्लीफाइड टू गेट द वैल्यू ऑफ d विच बिकम थ्री बाई टू आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू ऑफ d नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस सेकेंड टर्म ड टर्म है क्योंकि इफ दिस इज वन ऑफ दी तो ये फर्स्ट टर्म हो गई दिस इज दर्म दिस इज दर्ड टर्म दिस इज दर्म अकॉर्डिंग टू दियर रिस्पेक्टिव पोजिशन तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस डी ए इज फाइव डीज थ्री बाई टू वी सिंपलीफाइड अकॉर्डिंगली ये थर्टीन बाई टू आ गया और वी कैन से इट इज सिक्स एंड अ हाफ तो जो सेकेंड टर्म आ गई जो फर्स्ट मिसिंग ब्रैकेट था वो हमारे पास बेटा सिक्स एंड अफ आ गया फिर मुझे निकालना है यह थर्ड टर्म थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस टू डी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जनरल फार्मूला जो भी टर्म होगी डी हमेशा उससे एक कम चलेगा सो टू गेट दैट आंसर अगेन टू फाइव प्लस टू इन टू थ्री बाई टू एंड इट इज दिस पार्ट इज एट तो इन द एंड वो जो दो मिसिंग वैल्यू थी वो जो दो अननोन एलिमेंट से अननोन टर्म्स थी वो आ गई सिक्स एंड हाफ एंड एट तो रीच एक इट अगेन इन दी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट थर्ड वी हैव अ फोर टर्म्स इन अवर एपी आउट ऑफ दैट बिकॉज फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइव पता है फोर्थ टर्म की वैल्यू नाइन एंड अ हाफ पता है नाइन एंड अ हाफ को सिंपलीफाई करके वी कैन राइट एट्स नाइनटीन बाई टू एंड फोर्थ टर्म वी नीड टू अप्लाई दैट एन टर्म फॉर्मुला ए प्लस फोर माइनस वन डी इससे मुझे ए प्लस थ्री डी का रिजल्ट मिल गया नाइनटीन बाई टू आफ्टर हैविंग दिस रिजल्ट वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ ए दैट इज फाइव पुटिंग इट सिंप्लीफाइंग इट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ d एस 3 बाई 2. आफ्टर हैविंग द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन अवर एपी तो हम जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दो चीजें मिल जाए तो हम लोगों ने टॉपिक वन और टू में सीखा था वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट कंप्लीट ए राइट नाउ तो अब मैं पूरी ए निकाल सकता हूँ बट हमारे पूरी ए की नीड नहीं थी वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड सेकंड टर्म ये कैसे पता चला थर्ड एंड सेकंड टर्म बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट दिज टू टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म दिस इज द थर्ड टर्म ना वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर फोर्थ इन दिस पार्ट नंबर फोर्थ अगेन बेटा आप पहले काउंट कर लो कितनी टर्म है वन टू थ्री फोर फाइव तो दे आर फाइव टर्म्स आउट ऑफ दैट फाइव टर्म्स सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर मिसिंग एंड वी ओनली हैव अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एज माइनस फोर फिफ्थ टर्म एज सिक्स तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है फिफ्थ टर्म मेरे पास है फर्स्ट टर्म बोलोगे तो ए की वैल्यू माइनस फोर मुझे पता है और टर्म बोलोगे तो a प्लस फोर डी सिक्स मुझे पता है फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस फाइव माइनस वन डी ए प्लस फोर डी डायरेक्टली याद करना शुरू करो यूज़ करना शुरू करो माइनस फोर प्लस फोर डी इक्वल टू सिक्स फोर डी इक्वल टू आई थिंक टेन दिस गिव यू अ वैल्यू एज टेन क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है उसकी हेल्प से हमारे पास ये टेन आ गया और d विल गिव यू अ वैल्यू टेन बाई फोर इट मीन्स फाइव बाई टू तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट मेरे को डी मिल गया जिसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास फाइव अपॉइंट टू तो फिर से वही बात आ गई ना पिछले क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट टर्म फिर से मिल गया डी फिर से मिल गया और तो जिस भी ए पी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ नाउ यू कैन गो फॉर द रिमेनिंग टर्म्स तो ये कौन सी टर्म है टू गेट दिस फर्स्ट ब्रैकेट मिसिंग ब्रैकेट वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड टर्म ए प्लस डी विच इज़ फाइनली गिव यू अ वैल्यू माइनस फोर प्लस फाइव बाई टू सिंप्लीफाइड इट इज माइनस थ्री बाई टू तो जो सेकंड टर्म आ गई फर्स्ट मिसिंग ब्रैकेट आ गया वो माइनस का थ्री बाय टू आ गया देन वी नीड टू फाइंड आउट दिस सेकेंड ब्रैकेट पोजिशन वाइज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिख लो आप चाहो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखने से थोड़ा इजी रहेगा तो अब थर्ड टर्म निकालनी है थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस टू डी एज ऑलरेडी माइनस फोर इज हेयर एज यू ऑब्जर्व दैट डीज हेयर फाइव बाई टू

एज अ रिजल्ट वन बाय वन वी कंटिन्यू दिस क्वेश्चन वी सिंप्लीफाइड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल दैट थ्री मिसिंग वैल्यूज तो पहले मुझे मिला थ्री माइनस का थ्री बाय टू फिर मुझे मिला वन देन मुझे मिल गया सेवन बाई टू तो एज तो अ रिजल्ट क्वेश्चन थर्ड के मैंने दो और नए पार्ट सिखाए सभी पार्ट बहुत यूनिकली वर्क कर रहे हैं सभी के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखी है जिसकी कुछ टर्म्स हमें गिवन है और कुछ टर्म्स हमारे लिए मिसिंग है जो गिवन टर्म्स है उनका यूज़ करके हम ए और डी फाइंड आउट कर रहे हैं और आफ्टर गेटिंग दैट ए एंड डी इन अवर क्वेश्चन देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट मिसिंग टर्म्स जिसके लिए इन्होंने मिसिंग टर्म के लिए ब्लॉग बना रखे हैं तो इसमें मुझे सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी थी फर्स्ट एंड फोर्थ पर यूज थी पता थी उसका यूज करके बनाया इस वाले केस में मुझे फर्स्ट और फिफ्थ टर्म पता थी और मुझे मिसिंग तीन टर्म निकालनी थी एज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो होप सो यू कैन ईजिली गेट ऑल दी वैल्यूज वेरी केयरफुली ना बेटा वी आर मूविंग टू आर फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने तीन टर्म्स ली थी बट अवर एनसीआर एक्चुअली हैव दीज फोर्थ टर्म तो पहले हम फोर्थ पार्ट को एज अ सेकेंड पार्ट की तरह करते हैं उसे एज अ एक्स्ट्रा पार्ट कंसिडर कर लो क्या ये फोर्थ पार्ट देखो आप इसमें एक बार फिर से मेरे को फर्स्ट टर्म पता है एस माइनस फोर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म पता है यहाँ पे मुझे एज अ सिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स टर्म का फॉर्मूला बन गया ए प्लस फाइव डी आ गया सिक्स माइनस फोर प्लस फाइव डी आ गया सिक्स फाइव डी गिव यू टेन एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग अवर डी फ्रॉम दिस क्वेश्चन एज टू तो लाइक आ प्रीवियस पार्ट ऑल्सो हमने ऐसे ही किया हमारे पास एक ए पी है कंप्लीट ए पी जिसकी फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म पता है बट दिस लास्ट टर्म वेन वी काउंट फ्रॉम दिस सीक्वेंस इट गिव यू आर पोजिशन नंबर सिक्स तो एज अ रिजल्ट फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म पता है टू गेट द रिजल्ट ऑफ सिक्स टर्म वी हैव टू अप्लाई द दमुला ऑफ ए प्लस फाइव डी अपलाइंग दैट ए प्लस फाइव डी पुटिंग ए एस माइनस फोर सिंपलिंग फाइन फॉर इट डी आ गया टू आफ्टर गेटिंग डी एंड वी ऑलरेडी हैव इट्स फर्स्ट टर्म नाव वी ट्राई एंड सोल्व फॉर दिस सेकंड टर्म वाई वी आर कॉलिंग इट ए सेकंड टर्म क्योंकि सेकंड टर्म मिसिंग है तो सेकंड टर्म का फॉर्मुला है ए प्लस डी तो इट इज बेटर माइनस फोर प्लस टू तो सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज माइनस टू बीस सब में टू टू एड होना है ना क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही टू आया हमारा देन वी नीड टू फाइंड आउट दिस टर्म दिस इज दर्ड टर्म जो ए प्लस टू डी होगा माइनस फोर प्लस टू इन टू टू इट इज़ माइनस फोर प्लस फोर तो दिस विल गिव यू ज़ीरो तो इसकी थर्ड टर्म आ गई ज़ीरो तो एज अ रिजल्ट हमारे को सेकेंड टर्म मिल गई एज अ रिज़ल्ट हमारे को थर्ड टर्म मिल गई नाउ वी आर मूविंग टू फोर टर्म ए प्लस थ्री डी हेयर ए मीन्स माइनस फोर डी मीन्स टू तो इधर जो फोर टर्म आ गई वो आ गई टू तो so, मुझे यहाँ से फोर्थ टर्म भी मिल गई जिसकी वैल्यू है टू देन वी नीड टू मूव एंड फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म होगी ए प्लस फोर डी माइनस फोर फोर इंटू टू माइनस फोर प्लस एट तो फिफ्थ टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज फोर तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में है वो जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया वो एज अ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेना दिस इज एक्चुअल वन इसमें हम आपको फर्स्ट टर्म पता थी एज वेल एज लास्ट टर्म पता थी वैन वी काउंट दी पोजीशन दिस लास्ट टर्म बिकम एज अक्स टर्म हेयर फर्स्ट एंड सिक्स टर्म का यूज करके मैंने सबसे पहले डी निकाला बिकॉज सिक्स टर्म हैव अ फॉर्मुला ए प्लस फाइव डी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एस माइनस फोर सिंप्लीफाई फॉर इट डी टू आ गया आफ्टर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ डी एस टू फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी माइनस फोर देन वी नीड टू गो फॉर द सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म क्योंकि दीज आर द मिसिंग टर्म्स सिक्स टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी नोन टू अस तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ देयर बेसिक फॉर्मुला अब मैं इसके पार्ट नंबर फिफ्थ पे आया जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर थ्री का लास्ट पार्ट है इस बार पहले फिर से केयरफुली टर्म काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः देयर आर अगेन सिक्स टर्म्स आउट ऑफ दैट सिक्स टर्म बेटा मुझे एक तो सेकेंड टर्म पता है थर्टी एट एज वेल एज मुझे सिक्स टर्म पता है माइनस ट्वेंटी टू कोई भी डाउट हो तो इसके ऊपर लिख लो कौन सी टर्म है तुम्हारे को ईजिली समझ आ जाएगा तो दीज आर अवर रिस्पेक्टिव सिक्स टर्म्स अब जब सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी है सिक्स टर्म है तो ए प्लस फाइव डी है दीज आर दी टू वैल्यूज वी हैव इन अवर क्वेश्चन सेकेंड टर्म हैज अ बेसिक फॉर्मूला ए प्लस डी सिक्स टर्म हैज अ बेसिक फॉर्मूला ए प्लस फाइव डी द रीजन इज क्वाइट क्लियर सेकेंड टर्म तो ए प्लस टू माइनस वन डी तो अब तक तो याद हो गया होगा सेकेंड टर्म तो ए प्लस डी और अगर सिक्स टर्म तो ए प्लस सिक्स माइनस वन डी यानी कि फाइव डी नाउ सॉल्व दैम साइमटेनियसली अगेन एंड वी आर गेटिंग हेयर माइनस फोर डी इज इक्वल टू एड कर लेते हैं ऐसे सिक्सटी. तो डी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज माइनस फाइव फिफ्टीन तो मुझे इस क्वेश्चन से so जो डी मिल गया वो माइनस फिफ्टीन मिल गया होप सो यू आर इजली गेटिंग दीज टू इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए पी सेकेंड टर्म एंड सिक्स टर्म अब बेटा जब मेरे को d पता चल चुका है तो अब मैं a के लिए फाइट करूंगा सिंस a प्लस डी थर्टी एट है यू कैन यूज़ एनी ऑफ दी टू इक्वेशन यहाँ पे माइनस फिफ्टीन रख दिया मैंने देन वी ट्राई एंड सॉल्व इट केयरफुली तो ये उधर जाके प्लस हो गया एंड वेन यू एड इट इट विल गिव यू फिफ्टी थ्री तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर ए पी इज़ फिफ्टी थ्री नाउ वी आर इन अपोजिशन क्योंकि मैंने कहा था जहां आपके पास जह, जिस प्लेस पे आपके पास ए ओ डी आ जाए वहां आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि इन सभी रिप्लाइज को वन बाय वन देना शुरू करोगे तो सबसे पहले मुझे निकालनी है फर्स्ट टर्म जो होती है सिर्फ ए जिसकी आंसर आ गई फिफ्टी पहला आंसर आ गया देन सेकेंड टर्म इज ऑलरेडी क्लियर नाव वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थर्ड टर्म ए प्लस टू डी ए इज फिफ्टी थ्री डी इज माइनस फिफ्टीन इट केयरफुली फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी इट गिव यू ट्वेंटी थ्री एज अ रिजल्ट थर्ड टर्म आ गई ट्वेंटी थ्री तो इस तरह से मुझे थर्ड टर्म मिल गई देन वी नीड टू प्लान एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस थ्री डी आप चाहो तो डी एज इट इज ऐड कर सकते हो माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन दिस इज फिफ्टी थ्री प्लस थ्री इन टू माइनस फिफ्टीन दिस इज बेटा फिफ्टी थ्री माइनस फोर्टी फाइव तो जो मेरे पास अब फोर्थ टर्म आ गई दैट इज एट तो फोर्थ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एट हो गई है अब मेरे पास और अगली टर्म की बात करेंगे एज अ फिफ्थ टर्म की जो होगी ए प्लस फोर डी इन दैट केस फिफ्टी थ्री प्लस फोर इन टू माइनस तो मेरे पास अब जो रिजल्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर टर्म का वो आ रहा है बेटा माइनस सेवन तो इन दी एंड वी कंक्लूड फ्रॉम द डाटा डैट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सेकेंड टर्म और फिर सिक्स टर्म के फॉर्मुले से ए और डी निकालो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी फ्रॉम योर क्वेश्चन केयरफुली जैसे ए आ गया और डी आ गया सेमिटेनियसली सॉल्व करा समझ आया दो इक्वेशन कहाँ से आई दिस फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम दी ए प्लस टू डी एज अ फॉर्मला ऑफ सेकेंड टर्म एंड दिस सेकेंड इक्वेशन इज जनरेटेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ सिक्स टर्म ए प्लस फाइव डी वेन देन वी सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंग टू अवर लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाया मेरे पास डी आ गया डी से ए आ गया ए और डी की हेल्प से वी गो एंड फाइंड आउट द वैल्यू फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म तो ये वन ऑफ द टाइप थी हमारी ए पी की जो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू का पार्ट था जिसमें हमारे को कुछ मिसिंग टर्म्स की वैल्यूज पता थी कुछ टर्म्स की वैल्यूज पता थी और रिमेनिंग मिसिंग टर्म्स की वैल्यूज वन बाय वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करनी थी नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू अ कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास एक ए पी है उसकी लास्ट टर्म भी है अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने क्या करा था ए पी थी और एन था कि कौन सी टर्म निकालो लाइक like इलेवन टर्म निकालो फिफ्टीन टर्म निकालो हंड्रेड टर्म निकालो वहाँ पे हमारे को टर्म निकालनी थी यहाँ फर्स्ट टर्म है ए पी है एज वेल एज इट्स लास्ट टर्म है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी टर्म कि ये कौन सी टर्म नंबर है कि ये कौन सा नंबर होगा 78 जो इस पर्टिकुलर एपी के अंदर एग्जिस्ट करेगा जैसे आप ध्यान दो थ्री एट थर्टीन एटीन इज एन ए पी और इट इज गिवन डेट विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज सेवनटी एट इस ए पी की कौन सी टर्म सेवनटी एट है तो फर्स्ट टर्म तो थ्री हो गया कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से निकाल लेना जो इस क्वेश्चन में फाइव आ रहा है और जो हमारे को वो सेवेंटी एट दे रखा है दैट इज बेसिकली एन दिस इज द टर्म लास्ट टर्म गिवन टू अस एज एन ए एन टर्म गिवन है मुझे ए एन टर्म का फॉर्मूला आ गया ए प्लस एन माइनस वन डी क्योंकि यहाँ से आपको कन्फर्म हो रहा था विस्ट टर्म मतलब एन निकालो इस ए पी की वो कौन सी टर्म है ए पी की वो कौन सी टर्म है जिसका आंसर सेवनटी एट है तो वी पुट पुडी वैल्यू एज थ्री वी नेवर नो दी वैल्यू ऑफ एन एंड डी इज फाइव विच इज इक्वल टू सेवेंटी एट थ्री प्लस फाइव एन माइनस फाइव इक्वल टू सेवेंटी एट फाइव एन माइनस टू इज सेवेंटी एट फाइव एन इज इक्वल टू एटी एन इज सिक्सटीन इट मींस बेटा जब मैं इस ए पी को प्लान करूंगा इस ए पी को सॉल्व करूंगा तो जब इस ए पी की सिक्सटीन टर्म निकलेगी उसका आंसर इट्स 78 आ रहा होगा तो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन चेक दिस क्वेश्चन अगेन बिकॉज दिस इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ अवर एपी इन विच वी हैव अवर एपी वी हैव अवर लास्ट टर्म एज अन टर्म एंड वी नीड टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ टर्म कि वह कौन सी टर्म नंबर होगा जिसका आंसर सेवेंटी एट आएगा जैसे किसी ने कहा वो कौन सा टर्म होगा जिसका आंसर एटीन आएगा तो आप कह दोगे वन टू थ्री फोर इसका एट्टीन आ रहा है फोर्थ टर्म है जी वह कौन सी टर्म है जिसका आंसर थर्टीन आ रहा है तो आप कहोगे वो थर्ड टर्म है जी क्योंकि दे आर विजिबल टू अर्स अब आपसे पूछ रहे है वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 78 आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है एक ऐसी टर्म वैल्यू ढूंढनी है जिसका आंसर 78 आ रहा है टू गेट दैट आंसर वी ऑब्जर्व ऑब्जर्वर की फर्स्ट टर्म थ्री है कॉमन डिफरेंस फाइव है बिकॉज इट विल एड ओनली एंड वी हैव दी लास्ट टर्म एज वी है लास्ट टर्म एल एन टर्म जनरल टर्म सबका मतलब एक ही बताया था मैंने आपको

नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो इस एपी की इट मीन्स अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन इफ यू गो फॉर अ नंबर ऑफ टर्म्स इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन तो यहाँ पे एक बार फिर से हमसे एन पूछा है जब ए पी इज ऑलरेडी गिवन टू अस एस सेवन थर्टीन नाइनटीन एंड टू जीरो फाइव तो हेयर ए इज सेवन क्वाइट क्लियर फर्स्ट टर्म मीन्स ए कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज गिव यू आर वैल्यू एज थर्टीन माइनस सेवन गिव यू आर रिजल्ट एज सिक्स एंड सिंस दिस इज द लास्ट टर्म इसे 205 लिख लो आप एल भी लिख सकते हो इसे टी एन भी लिख सकते हो इसे एनएट टर्म भी लिख सकते हो इसे सबका मतलब एक ही है हाउ वी डिसाइड डैट कि ये लास्ट टर्म है क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि हमारी जो ए पी है वो सेवन से शुरू हुई थर्टीन आया फिर नाइनटीन आए इट इज एंडेड एट टू जीरो फाइव तो इफ इट इज एंडेड एट टू जीरो फाइव तो टू जीरो फाइव इज इट्स एनएट टर्म टू सिंपलीफाई दिस एन एट टर्म वी हैव अ फॉर्मुला ए प्लस एन माइनस वन डी टू ज़ीरो फाइव बिकॉज एन एट टर्म बेसिकली मीन्स ए प्लस एन माइनस वन डी नॉट आफ्टर हैविंग दिस रिजल्ट वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इट विद देल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये आ गया हमने ए को सात रख दिया डी को छ रख दिया मतलब सिक्स रख दिया अब मैंने एक एक करके इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया स्टेप बाई स्टेप ये कुछ इस तरह से आउटपुट आया फिर बेटा ये टू ज़ीरो फोर आया अब 204 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया एन की वैल्यू 34 आ गई दिस इंडिकेट ये जो एक ए पी है इसकी थर्टी फोर्थ नंबर की जो टर्म है उसका आंसर 205 है तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर लाइक अवर प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें हमारे पास प्रेजेंटली ए पी थी जिसकी हेल्प से फर्स्ट टर्म मिल गई कॉमन डिफरेंस मिल गया और हमारे को लास्ट टर्म मिल गई विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म उट दोटल नंबर जो यहां पर एन आ गया है जिसकी वैल्यू है थर्टी फोर नाउ वी आर मूविंग टू आर सेकेंड पार्ट इन दैट पार्ट ऑल्सो वी है एपी गिवन टू अस विदी वी प्लान टू फाइंड आउट दर्ट टर्म दैट इज एटीन देन डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू आने वाली है बेटा फिफ्टीन एंड माइनस एटीन आप फिफ्टीन एंड अ हाफ को मिक्स फॉर्म में कैसे ठीक करके लिखोगे इट इज थर्टी वन बाई टू माइनस एटीन इट इज थर्टी वन माइनस थर्टी सिक्स बाई टू आफ्टर टेकिंग द एल्सियम तो जो डी मेरे पास इसमें सिंप्लीफाई होके आया माइनस फाइव बाई टू आया देख लिया करो खुद ही कि अगर टर्म्स डाउन जा रही है डिक्रीज जा रही है तो डी नेगेटिव आता है अगर टर्म्स अप जा रही है ऊपर ऐड होती जा रही है तो डी पॉजिटिव आता है तो एक बार फिर से लाइक अस फर्स्ट पार्ट ओनली फर्स्ट टर्म मुझे इजिली विजिबल थी कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का रहा सिंप्लीफाई किया क्योंकि फ्रैक्शनल टर्म थी डी आ गया एंड दिस इज अगेन गिवन टू एज एड्स ए एन टर्म तो वी नो डैट ए एन टर्म इज़ माइनस फोर्टी सेवन A plus n minus 1d is minus 47. What is a? A is 18. We again go for the value of n. This is 5 by 2, which is equal to minus ka 47. Then we try and simplify by taking the LCM here as to 36 minus 5n plus 5 equal to minus ka 47 then we shift this 2 to another side it becomes 41 minus 5n equal to minus the 94 then beta minus ka 5n equal to minus ka 94 minus ka 41 minus ka 5n equal to minus ka 135 n equal to 27 in the end we conclude that इस पर्टिकुलर ए पी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ रही है फोर्टी सेवन वैल्यू के लिए माइनस फोर्टी सेवन के लिए वो ट्वेंटी सेवन है तो आप लोगों ने नोट किया ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव था दिस इज दन ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी थी वेन वी हैव अ ए पी एज वेल एज इट्स लास्ट टर्म तो फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट टर्म थी सेवन लास्ट टर्म थी वन जीरो फाइव और कॉमन डिफरेंस इसके डिफरेंस से आ गया था सिक्स एक बार फिर से अगर आप इस फॉर्मूले की बात करो तो तुम्हें ए एन पता है ए पता है डी पता है एन निकालना मैंने कहा ना फॉर्मूले में हमेशा ही एक टर्म फॉर्मूले में हमेशा ही एक टर्म मिसिंग होगी बाकी तीन टर्म्स आपके पास ऑलरेडी होगी वी यूज दैट थ्री वैल्यूज एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ एन दैट इज फॉर थर्टी फोर दिस मीन्स इस ए पी की जो थर्टी फोर टर्म आएगी उसकी वैल्यू टू जीरो फाइव है इसे क्या पता चला इस ए पी की जो थर्टी फोर टर्म आएगी दिस इंडिकेट दैट थर्टी फोर टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ टू जीरो फाइव इससे ये इंडिकेट होता है कि हमारे एंड थर्टी फोर आया ऑन दी अदर एंड वेन वी गो फॉर द सेकेंड पार्ट अगेन विच इज़ वेरी सिमिलर टू फर्स्ट ओनली इसकी भी फर्स्ट टर्म एटीन है कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करने पे माइनस का फाइव बाई टू और लास्ट टर्म आ गई थी माइनस का फोर्टी सेवन ए एन पता है ए पता है डी पता है अगेन वी यूज द बेसिक फॉर्मूला अगेन उस बेसिक फॉर्मूला से तीन वैल्यूज पता थी एक वैल्यू मिसिंग थी उस मिसिंग के लिए फाइट करी एंड वी गेट अवर आंसर इज ट्वेंटी सेवन इट वॉट दिस मीन इट ऑल्सो मीन दैट कि जब मैं इसकी ट्वेंटी सेवन टर्म निकालूंगा तो उसकी वैल्यू माइनस की फोर्टी सेवन आएगी इज दिस ओके तो एज अ रिजल्ट वी एंडेड अवर एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइव आज का लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ मैं आपके लिए नए लेक्चर्स में इसी ए पी के इसी कंसेप्ट के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन पर वर्क करेंगे